मैं मुस्लिम हूं तो हिंदू है, दोनों हैं इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त बस एक ही अरमान, एक साथ में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि नफरतें कितनी ही सर उठा ले, जिन्हें प्यार मोहब्बत बांटनी होती है वो कर ही लेते हैं। भारत में गंगा जमुनी तहजीब हमेशा से रही है, बस अभी राजनीतिक फायदे के लिए आपस में लड़वाने से लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। अब देखिए आप, परशुराम जयंती पर जैसलमेर जिले में पूरा ब्राह्मण समाज सड़क पर निकल पड़ा। भगवान परशुराम के अस्त्र फरसे को हाथ में लेकर ब्राह्मणों ने अपनी शक्ति का एहसास करवा दिया। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि ब्राह्मण समाज की ओर से निकाली गई इस शोभा यात्रा में मंत्री सालेह मोहम्मद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए। मंत्री सालेह मोहम्मद और उनके भाई अमरुद्दीन फकीर के सर पर साफा और जुबान पर भगवान परशुराम के लिए भक्ति भावना के स्वर थे। सालेह मोहम्मद भी इस मौके पर भगवान परशुराम के भक्ति और उनके भक्तों में लीन दिखाई दिए। मंत्री सालेह मोहम्मद के साथ मुस्लिम समाज के तमाम लोग भगवान परशुराम की शोभा यात्रा का हिस्सा बने। जैसलमेर की सड़कों पर ब्राह्मणों का सैलाब सा उमड़ आया, लोगों ने फूलमालाओं से इनका स्वागत किया। खुद मुस्लिम समाज के लोग भी भगवान की शोभा यात्रा पर फूलों की बारिश करते दिखाई दिए। हर समाज के लोगों ने एक साथ मिलकर भगवान परशुराम के जयकारे लगाए। राजस्थान में अगले कुछ ही महीने में विधानसभा का चुनाव है, लिहाजा सारे नेता अब अपनी अपनी जातियों का समीकरण बिठाकर वोट पाने का जुगाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में सालेह मोहम्मद की परशुराम भक्ति को देख लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे, क्योंकि मंत्री सालेह मोहम्मद मानते हैं कि वोट जातियों के समीकरण बिठाने से नहीं, बल्कि काम करने से, सर्व समाज को साथ लेकर चलने से और आपसी भाईचारे से मिलते हैं। इससे पहले भी मंत्री सालेह मोहम्मद ऐसे कई आयोजनों का हिस्सा बनते आए हैं, जिससे समाज में एकता और भाईचारे का संदेश जाए। बनवाओ शिवाला या मस्जिद, है ईट वही चूना, चूना है वही, मैमार वही, मजदूर वही, मिट्टी है वही, पानी है वही।